गाइड, आज है जिज्ञा का फर्स्ट डे इन स्कूल, क्योंकि जब जिज्ञा का एडमिशन हुआ था तब न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में, और अभी है जिज्ञा सेकंड क्लास में। तो तभी से कोविड आ गया था, इस वजह से जिज्ञा ने स्कूल तो देखा था लेकिन अपनी क्लास नहीं देखी थी, अपने टीचरों से नहीं मिली थी। तो जिज्ञा का मन था कि जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊँगी। वैसे मेरा आज मन नहीं था, क्योंकि अभी बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी नहीं भेज रहे हैं, तो इसलिए मैं भी सोच रही थी कि अभी नहीं भेजूँ, और मौसम भी चेंज हो रहा है तो ऐसे में बीमारी भी ज़्यादा फैल रही है। लेकिन फिर सोचा कि चलो अपने टीचर से मिल लेगी और क्लास अपनी देख लेगी, तो इसीलिए आज इसको लेके जा रहे थे इसके पापा, और अपने पापा के साथ गई है क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। और जिज्ञा के पहले दिन ही देखो कितनी बारिश हो रही है। आज सुबह से ही जब जिज्ञा गई है तब से ही बारिश हो रही है, सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी। और जिज्ञा आज मैंने विदाउट ड्रेस ही भेजी है क्योंकि अभी इनकी ड्रेस नहीं आई है और न्यू एडमिशन था इस वजह से। राधे यहाँ सो रहे हैं। बेटा उठो, दीदी गई स्कूल। गई दीदी, आपने बाय भी नहीं बोला है? बाय तो बोल देते दीदी को, प्यारी सी दीदी को। ओ माम माम कर रहे हो, भगवान जी को माम माम कर रहे हो उठने के साथ। प्यारा सा बच्चा उठेगा अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज है 2 सितंबर, तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं कल से, लेकिन जिज्ञा का खुला है आज। तो जिज्ञा आज गई है पहली बार स्कूल, 1.5 साल के बाद आज पहली बार स्कूल गई है। और जिज्ञा का वैसे भी इस बार नया स्कूल है, इस बार नहीं लास्ट ईयर जब फर्स्ट क्लास में आई थी तो तब हमने स्कूल चेंज कराया था उसका, लेकिन जब एडमिशन होने के बाद ही फिर कोविड आ गया था तो वो एक दिन भी स्कूल नहीं जा पाई थी। तो गाइस आज पहली बार गई है जिज्ञा स्कूल, और मुझे कैसा फील हो रहा है जैसे कि जिज्ञा मतलब अभी जिज्ञा ने शुरू करी है पढ़ाई। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे जिज्ञा पहली बार गई थी, और मतलब हर चीज़ में ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे करेगी, खाना खाएगी कि नहीं खाएगी, पता नहीं उसे खुद से बुक भी नहीं निकालती। यहाँ तो ऑनलाइन क्लास चलती है तो मम्मी ये बुक लाओ, मम्मी वो बुक लाओ, पेंसिल नीचे गिर जाती है तो भी मम्मी उठाती है। अब पता नहीं क्या होगा आज जी क्या था। और कितने की धरा, और मेरा प्यारा सा बच्चा आज सुबह ही नहा लिया है, और मैंने भी जिज्ञा को पहले लंच वंच तैयार कर दिया था तो उस चक्कर में मैं भी आज थोड़ा लेट नहाई हूँ, अभी नहाई हूँ। और मैं बाद में नहाई हूँ, पहले मैंने अपना बच्चा नहला दिया था, छोटा सा प्यारा सा जो बच्चा है ना मेरे घर में। एक आओ बच्चे इधर आओ, और ये बच्चा अपना होमवर्क भी कर रहा है, एक सुंदर सा बच्चा। कृतिन की ट्यूशन लग रही है अभी, और कृतिन के भी जब ओपन हो जाएंगे ना स्कूल तो कृतिन भी जाएंगे, है ना बच्चा? हाँ कृतिन भी जाएंगे, कृतिन को भी स्कूल की याद आ रही है। वो गाइस यहाँ ट्रेन निकलती है तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता, तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस अभी ट्रेन निकली है तो ट्रेन में कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ भी बोलते रहो क्योंकि यहाँ पास ही रेलवे लाइन है। और आज जैसे कि अभी बारिश हुई थी जब जिज्ञा गई थी, जिज्ञा के जाने के साथ ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत टाइम तक पड़ती रही बारिश, और अभी बंद हो गई है बारिश। तो बारिश होने के बाद तो ट्रेन की आवाज़ और ज़्यादा साफ आ रही है ना कीर्तन? अब कीर्तन का मैं होमवर्क करा देती हूँ, और जिज्ञा को आज अभी ट्रांसपोर्ट नहीं चली है तो जिज्ञा के पापा ही लेके गए हैं, और वो छोड़कर भी आ गए हैं और फिर से लेने जाएंगे। तो कीर्तन भी जाओगे, मम्मा को भी ले चलोगे? एक दो हमें दादी मैं आप तो झूले से जाऊँ ले चलना मुझे नहीं। ऐसे चलो, ऐसे करो अपन आपकी गाड़ी से चल रहे हैं, दीदी को लेने मुझको ले चलो और आप चलो, पापा को रहने देते हैं। तो गाइस ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी कीर्तन की जिद हो रही है किसी चीज़ की, मैं देखती हूँ किस चीज़ की जिद हो रही है प्यारे से बच्चे की। अभी जिज्ञा आ गई है स्कूल से, और कीर्तन भी गए थे अपने पापा के साथ जिज्ञा को लेने, और जिज्ञा को मिली है डायरी, और यहाँ पर देखो पैरों को लेकर बैठ गई है, पैरों में हो गया पहले दिन ही क्या दर्द। हो गया पैरों में? आज जिज्ञा बिना यूनिफॉर्म के गई थी, और जिज्ञा को क्या मिला? जिज्ञा क्या है ये? डायरी? डायरी मिली और टेबल मुझे दिखाने दो। भैया गया था दीदी को लेने, दीदी का स्कूल देखा है कैसा लगा? वहाँ पे तो कई लोग क्या बोल रहे थे लोग?
इधर तरह क्या करो, इधर करो उधर करो। तुम्हें कैसा लगा जिज्ञा? बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल सर से मिले भी थे। आपसे मिलने आए थे क्लास में? नहीं, सबसे पहले मैथ वाली मैम ने तो मैं डांस वाली क्लास में पहुंचाया। और चुप भैया, पहले दीदी की बात सुन लूँ मैं। हाँ भैया, मैं मैथ वाली मैम ने तो हमें डांस की क्लास में पहुंचाया था, और हिंदी वाली मैम ने हमें म्यूजिक वाली क्लास में पहुंचाया था, कंप्यूटर वाली मैम ने हमें स्टेज पे पहुंचाया था, बहुत बड़ी झील। फिर कैसा लगा, डांस करा? नहीं, डांस नहीं किया। कौन कौन बच्चे आए थे? वहाँ प्रिंसिपल सर आए थे, उनसे मिले थे हम। अच्छा, और क्लास के बच्चे भी आए थे? हाँ, और फर्स्ट क्लास के तो मम्मी पूछो मत, कितने बच्चे आए थे, बहुत बच्चे आए। आपकी क्लास के काम थे? सारी मैम मिली आपको? बड़ा दर्द हो रहा है मम्मी। पैर ये सूज से हो गया बेटा? इस वाले से ही होता है मुझे, कोई और दिया था। पर देखो जिज्ञा स्कूल से आने के बाद इतनी थक गई। जिज्ञा इतनी थक गए बेटा? जिज्ञा पढ़ाई कर रही थी कंप्यूटर की, और पढ़ाई करते करते बस सो गई। जिज्ञा पहले दिन ही सो जाओ, पहले दिन इतनी थक गई है। और ये भैया जी क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे हो? और इतनी लंबी लाइन, जाम लग गया यहाँ तो? जाम लग गया? जाम लगा रहा हूँ। कौन सी गाड़ियाँ हैं? और यहाँ तो वो भी एक, ये कौन सी है? सीमेंट मशीन। नहीं, ये वाली जेसीबी। कीर्तिन की पढ़ाई करवाने के लिए मैंने बुकें रखी थी, लेकिन उसकी क्या है, गाड़ियों का जाम लगा दिया है। जेसीबी। और सबसे पीछे ये सब यहाँ पे सीमेंट मशीन, उसके बाद डंप ट्रक, उसके बाद डोटोरिक्शा, उसके बाद डाली, और उसके बाद भी डाली, उसके बाद जीप। कितनी लंबी लाइन लग गई। ओ, ये बर्गर कौन खा रहा है? ये रहे बर्गर, ये कीर्तिन बर्गर खाने वाले हैं। कीर्तिन बर्गर शॉपनर बर्गर, शॉपनर बर्गर। इसे थोड़ेंगे यहाँ से, यहाँ पे ले जाए, और यहाँ पे इसके अंदर हम पूरा डाल सकते हैं, यहाँ पे शॉप कर सकते हैं। पर यहाँ से शॉप होता है। हाँ, यहाँ से होता है। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं। हाँ, गड्ढे दिख रहे हैं छोटे पर। बेटे इतनी लंबी लाइन, जाम लग गया यहाँ तो। हटाओ हटाओ ये छोटी वाली गाड़ी को, आगे से हटाओ, तभी तो जाम खुलेगा। ये छोटी वाली गाड़ी भी तो है जाम में। ओ भैया बहुत सारी मत करो, बस बस बहुत सारी है ये तो। और ट्रैक्टर भी खड़ा हो गया, ट्रैक्टर सबसे आगे कैसे आ गया ये? तो फिर उल्टा कर देते हैं सब। ओ जा, टैक्टर तो जगह दे दो, ये देखो उल्टा होया। आज दीदी का स्कूल खुला था ना, तो इसलिए जाम लग गया ना सवारियों का। हाँ, सवारियों का जाम ही तो लगा है। एक सबसे बड़ी गाड़ी टैक्टर का तो पहलवान ये है। हाँ, इसे भी लगाओ। है ना? ना, ये वाली गाड़ी इधर जाएगी, ये तभी तो जाम खुलेगा। और ये सीमेंट मिक्सर पलट गया, सीमेंट मिक्सर पलट गया, उठाओ उठाओ। सीधे सीधे करोगे तो पीछे ठुक्कर हो जाएगी, पीछे ठुक्कर हो जाएगी। पीछे ले लेते हैं गाड़ी तो। हाँ, कौन सी? ये पहलवान वाली गाड़ी ये। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गाड़ी, और सब तो छोटी छोटी है। हाँ, ये सबसे छोटी है। हाँ, ये सबसे छोटी है। पीछे पिचाना ले में, इसे निकाल लो, सबसे छोटी को हटाओ, साइड करो, साइड दो, सबसे छोटी वाली को साइड दो, साइड दो, साइड दे दो, साइड दे दो, इसे यहाँ खड़ा कर दो बराबर में, जगह मिलेगी। दिखाओ, उसे भी लगा दो। नहीं, इसे छोटी के पास लगाओ। अरे इसको यहाँ पे बैठा दो, ट्रैक्टर के पास, ट्रैक्टर के पास। और कितनी हो गई, और कितनी है? और इसको कहाँ बैठाओगे? दिखा तो दो, वो कौन सी थी, मुझे तो दिख ही नहीं रही। अच्छा, इतनी लंबी गाड़ी, लाइन, वाह बहुत लंबी लाइन। आज दीदी का स्कूल खुला था ना, इसलिए जाम। ये लॉकडाउन भी लग गया यहाँ पर। हाँ। इसीलिए जाम लग गया क्या? हाँ। ओ, कितनी लंबी लाइन हो गई। वाह,
यहाँ पे और दीदी आराम से मस्ती से सो रही है। जी क्या इतना थक गया बेटा? ओ गाइस मैंने बनाए थे अभी जवे जिज्ञा के लिए। जिज्ञा कह रही थी मम्मी मुझे जवे खाने हैं, और जवे खाती है ये जवे दूध कम पीती है, उसका जवे ज़्यादा खाती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ, और इतने मैंने बनाए, अभी ठंडे भी नहीं हुए थे, वो सो गई। दीदी के स्कूल जाने के फर्स्ट दिन ही लग गया जाम, है ना कितने गाइस? जिज्ञा गई थी स्कूल और कीर्तन की गाड़ियों का लग गया जाम, क्योंकि जब जिज्ञा स्कूल चली गई थी तो कीर्तन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और जिज्ञा के स्कूल जाने से मेरा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि घर खाली खाली हो गया था, बिल्कुल ऐसे हो गया था। वो तो सुबह से काम इतना रहता है सुबह सुबह, और बिल्कुल घर खाली खाली नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे जिज्ञा गई है अभी बहुत दिन में, और कीर्तन अभी पता नहीं कब जाएंगे कीर्तन तो स्कूल, अभी कीर्तन के स्कूल नहीं खुले हैं, और जिज्ञा अभी सो गई है। तो गाइस अभी मुझे कीर्तन का कराना है होमवर्क, तो मैं उसको थोड़ी देर पढ़ाई करा देती हूँ, तो उससे पहले मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।